गरीब को एक पक्का विश्वास है, जहां कमल का निशान है वहां गरीब कल्याण है, जहां कमल का निशान है वहां गरीब की मदद है, जहां कमल का निशान है वहां हर इंसान की शान है, जहां कमल का निशान है वहां किसी गरीब को भटकना नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संकल्पित हैं समाज के अंतिम पायदान पर बैठे वर्ग के उत्थान के लिए। इसीलिए मोदी जी ने न सिर्फ बीड़ा उठाया है बल्कि अपने अथक प्रयासों से संकल्प से सिद्धि में परिवर्तित किया है, जिसका सुखद परिणाम हमारे मध्य प्रदेश में दिख रहा है। हाल ही में आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं। यह राह इतनी आसान नहीं थी। लक्ष्य, प्रण और पथ, इन तीन सूत्री वाक्यों को साधकर मोदी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आज खुद आंकड़े परिवर्तन के इतिहास की कहानी बयां कर रहे हैं। इसी के तहत आज मध्य प्रदेश के 47,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के द्वारा 3.5 करोड़ लोगों को 5,00,000 रुपए तक की निःशुल्क चार का भरोसा मिला है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 82,00,000 से ज्यादा परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ मिल रहा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के 4,83,00,000 लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। हर घर नल से जल योजना द्वारा 60,00,000 लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है। भाजपा सरकार में अब बेटियां बोझ नहीं बल्कि सम्मान होती है। इसीलिए भाजपा सरकार लाडली बहना योजना के तहत 1,25,00,000 बहनों को 1,000 रुपए दे रही है। यदि संकल्प में जान हो तो परिणाम स्वयं सफलता की कहानी कहते हैं। तभी तो लोग कहते हैं एमपी के मन में मोदी बसते हैं।